और फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट लेसन है उसका नाम है विद्युत क्षेत्र। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, उनके मुख्य बिंदु क्या क्या है, वो यहाँ मैंने लिख दिए हैं ताकि हमें पता चलेगा कि इस लेसन में हमें क्या क्या पढ़ना है ताकि हम उसको अच्छी तरह से समझ पाए। फर्स्ट जो इसका मुख्य बिंदु है वो विद्युत आवेश, यानी विद्युत आवेश क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आवेश का मात्रक क्या होता है वो उसके अंदर हम पढ़ेंगे। आवेश के संबंध में कूलाम का जो नियम दिया गया था उस कूलाम के नियम को हम पढ़ेंगे। उसके बाद में आवेशों की जो गुणधर्म है वो क्या है उसके हम स्टडी करेंगे। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो क्या होती है उसके बारे में हम देखेंगे। एवं इसकी परिभाषा एवं मात्रक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। एंड लास्ट में हमारे पास आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, एंड इसकी सहायता से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी अक्षीय तथा निरक्षीय बिंदु पर हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो ये हमारा इस लेसन के मुख्य बिंदु थे जो हम इसके अंदर पढ़ना है। अब हम शुरुआत करते हैं, शुरुआत करते हैं हमारे विद्युत क्षेत्र से। तो विद्युत क्षेत्र है उससे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं विद्युत की क्या है, विद्युत की यानी जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जिसको हिंदी में विद्युत की कहा गया है। और ये विद्युत की है ये आवेश से मिलकर बना हुआ है, विद्युत की है ये आवेश से मिलकर बना है। इसका मतलब विद्युत की भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसका संबंध किससे है, आवेश का। यानी कि इसके अंदर हम किसका अध्ययन करेंगे, आवेशों का अध्ययन किया जाएगा, इसके अंदर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। तो आवेशों का अध्ययन करने वाली भौतिक विज्ञान की शाखा है वो इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाती है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक्स को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, इसकी दो शाखाएं बना दी गई हैं। एक शाखा है जिसको हम स्थिर विद्युत की कहते हैं, स्थिर विद्युत की के नाम से जाना गया है, जिसको हम इंग्लिश में इलेक्ट्रो स्टैटिक्स के नाम से जानते हैं। एंड दूसरी इसकी जो शाखा है वो है धारा विद्युत की, जिसको हम इलेक्ट्रो डायनेमिक्स के नाम से जानते हैं। तो विद्युत की है यानी इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसकी दो शाखाएं हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है एंड दूसरी इलेक्ट्रो डायनेमिक्स है। क्योंकि विद्युत के अंदर हम आवेशों का अध्ययन करते हैं और आवेशों का जो अध्ययन किया जाएगा वो दो तरीके से किया जाएगा, एक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रूप में करेंगे, दूसरा इलेक्ट्रो डायनेमिक्स के रूप में किया जाएगा। अब हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है यानी स्थिर विद्युत की क्या है। तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, दो महत्वपूर्ण शब्द इसके अंदर आ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इसके अंदर एक शब्द आता है स्थिर एंड दूसरा शब्द है इसके अंदर विद्युत की। स्थिर का मतलब हम जानते हैं कि वो चीज फिक्स, जिसमें किसी प्रकार का कोई हलचल नहीं हो, कोई मूवमेंट नहीं हो, यानी रुकी हुई। तो यहां पर हम स्थिर का मतलब निकालेंगे रुका हुआ। एंड विद्युत की का मतलब यहां पर होगा आवेश। तो कहने का मतलब स्थिर विद्युत की यानी रुका हुआ आवेश। तो स्थिर विद्युत की के अंदर हम किसका अध्ययन करेंगे, रुके हुए आवेश का अध्ययन किया जाएगा। तो जब भी हमें कहीं रुके हुए आवेश को समझना है तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझना पड़ेगा, यानी स्थिर विद्युत को पढ़ना पड़ेगा। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा या इलेक्ट्रॉनिक्स की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों एवं उसकी विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, परंतु कौन सी स्थिति में, जब आवेश क्या हो, स्थिर अवस्था में हो। तो स्थिर अवस्था में आवेश की विभिन्न अनुक्रियाओं का अध्ययन करने वाली जो शाखा होगी वो होगी हमारी स्थिर विद्युत की कहलाती है। दूसरी है धारा विद्युत की। धारा, धारा का मतलब है बहने से, फ्लो करने से। तो यहाँ पर आवेश वो क्या करेगा, गति में होगा, गति अवस्था में होगा। तो जब आवेश गति अवस्था में होता है तो उस अवस्था में आवेश का अध्ययन करने की जो शाखा है उसको हम धारा विद्युत की के नाम से
जानते हैं। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसके अंतर्गत आवेश का स्थिर अवस्था में अध्ययन करेंगे, दूसरा इलेक्ट्रो डायनेमिक्स जिसका अंतर्गत हम आवेश को गति अवस्था में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ से हम इन चीज़ों को समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, ये विद्युत की क्या है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों का अध्ययन किया जाता है। अब इस विद्युत की को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, स्थिर विद्युत की एंड धारा विद्युत की। स्थिर विद्युत की के अंदर हम आवेश का स्थिर अवस्था में अध्ययन करेंगे, यानी आवेश फिक्स कर दिया इसके अंदर, इसमें आवेश चल नहीं सकता है, उसमें आवेश को फिक्स कर दिया गया, उस अवस्था में अध्ययन किया जाएगा। दूसरा आवेश जब गति अवस्था में होगा तो उसको हम धारा विद्युत की के नाम से जानते हैं। यहाँ एक अलग चीज और हम बता देते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि जब आवेश स्थिर अवस्था में होगा, सपोज किसी पदार्थ, इस पदार्थ पर कोई आवेश है क्यू है, एंड ये जो आवेश है वो स्थिर अवस्था में है, तो इस समय ये केवल एंड केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा ई। सेकेंड है कि जब आवेश गति करेगा, जब आवेश है वो गति कर रहा है, और गति भी कैसी, कांस्टेंट है, उसकी गति क्या है, कांस्टेंट है, यानी एक्सीलरेटेड नहीं है, त्वरण रहित गति है, तो उस अवस्था में आवेश है वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ, यानी विद्युत क्षेत्र तो क्रिएट करेगा ही करेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तो उत्पन्न होगा ही होगा, उसके साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। तीसरी स्थिति ये होती है, ये फर्स्ट आपकी स्थिति थी, ये सेकंड स्थिति थी, तीसरी स्थिति हमारी जो थर्ड स्थिति ये है वो ये है कि जब आवेश है गति कर रहा है लेकिन एक्सीलरेटेड है, गति कर रहा है लेकिन क्या है, एक्सीलरेटेड है, यानी उसके अंदर त्वरण उत्पन्न हो चुका है, उसकी गति कॉन्स्टेंट नहीं है, नियत नहीं है, उसकी गति नियत नहीं है, तो इस अवस्था में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, एंड साथ साथ में विद्युत चुंबकीय तरंग उत्सर्जित करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का भी उत्सर्जन करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन भी करता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आवेश का हम तीन प्रकार से अध्ययन करते हैं। जब आवेश केवल स्थिर होता है उस अवस्था में वो केवल एंड केवल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, विद्युत क्षेत्र जनरेट करता है, लेकिन जब आवेश गति करता है और गति भी कैसी, उसकी कांस्टेंट हो, उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा हो, तो उस अवस्था में वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, लेकिन जब उसकी गति कैसी हो जाए, एक्सीलरेटेड हो, त्वरित गति हो, यानी समय के साथ साथ बदल रही है, तो उस अवस्था में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ वो चुंबकीय तरंगों का भी उत्सर्जन करेगा। तो ये हमने थोड़ा सामान्य परिचय है वो हमने इसके बारे में स्टडी किया है, अब आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इसके अंदर, इस लेसन के अंदर आवेश है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। तो हम इस आवेश को समझते हैं कि ये आवेश क्या है, ये कहाँ से आया है, और इस प्रकार इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए आवेश को हम समझें तो हमें जानते हैं कि हम हमारे चारों ओर प्रकृति है, यानी संपूर्ण ब्रह्मांड है जिसको हमने प्रकृति का नाम दिया है। ये जो प्रकृति है वो दो महत्वपूर्ण चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, प्रकृति में दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, एक को हम विकिरण के नाम से जानते हैं, विकिरण, इसको हम रेडिएशन। विद्युत आवेश क्या होता है उसके बारे में हम समझते हैं, तो हम ये समझने का प्रयास करते हैं क्योंकि हमारी जो प्रकृति है वो दो महत्वपूर्ण चीजों से मिलकर बनी हुई है, एक है विकिरण जिसको हम रेडिएशन कहते हैं, रेडिएशन, एंड दूसरा जो है वो है पदार्थ, यानी मैटर। तो प्रकृति दो महत्वपूर्ण चीजों से मिलकर बनी हुई है, पहला विकिरण, दूसरा पदार्थ है, यानी कि सूर्य का जो प्रकाश हमारे पास पहुंचता है वो विकिरण के माध्यम से पहुंचता है, सूर्य का जो प्रकाश हमारे पास
पहुंच रहा है वो विकिरण के माध्यम से पहुंच रहा है। दूसरा उष्मा का जो स्थानांतरण होता है, उष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो भी किसके माध्यम से होता है, विकिरण के माध्यम से होता है। हम 11th क्लास में विकिरण लेसन को अच्छी तरह से पढ़ा है, उसके बारे में समझा है। विकिरण है वो तरंग प्रकृति रखती है, विकिरण है वो तरंग प्रकृति रखती है। इसका नेचर है वो कैसा है, तरंग है। जैसे पानी के अंदर हम कंकड़ डालते हैं तो हम देखते हैं इस प्रकार वर्ताकार रेखाएं उत्पन्न होती है, उसको हमने तरंग के रूप में समझते हैं। दूसरा जो है पदार्थ, नहीं पदार्थ का मतलब है कि जिसके पास द्रव्यमान हो, जिसके पास द्रव्यमान हो, जिसका अपना आयतन हो, जिसका संवेग हो, जिसके अंदर त्वरण हो आदि। तो पदार्थ का अर्थ यहाँ पर है जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, जिसका आयतन होता है, जिसका संवेग होता है, जिसका त्वरण होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ है वो कण प्रकृति, पदार्थ है वो कण प्रकृति रखता है। तो पदार्थ की प्रकृति कैसी हुई, कण प्रकृति। और विकिरण है ये तरंग प्रकृति रखता है, विकिरण है ये तरंग प्रकृति रखता है। तो विकिरण तरंग प्रकृति एंड पदार्थ है वो कण प्रकृति रखता है, और दोनों अलग है, दोनों अलग है। लेकिन आधुनिक फिजिक्स में हम दोनों को आपस में एक दूसरे से संबंध कर देते हैं कि पदार्थ है वो भी तरंग प्रकृति को बिलोंग करता है, उसके साथ भी तरंग चलती है। वो बात की बात है, वो आधुनिक फिजिक्स में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम इतना समझेंगे कि विकिरण है उसका तरंग नेचर है, एंड पदार्थ है उसका कण प्रकृति है। दोनों एक दूसरे के अलग है, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है, वो ये है ऊर्जा। दोनों में एक चीज कॉमन है वो ये ऊर्जा, इन दोनों के पास ऊर्जा होती है, दोनों के पास ऊर्जा होती है। और प्रकृति में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है ऊर्जा है। तो ये ऊर्जा हमें दो रूपों में मिलेगी, एक विकिरण के रूप में और दूसरा पदार्थ के रूप में मिलेगी। अब हम आगे पदार्थ को आगे समझते हैं, यहाँ तक हमने समझा है। क्योंकि पदार्थ है जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, जिसका आयतन होता है, जिसका संवेग होता है, इन सब चीज़ें इसके पास पाई जाती हैं। तो आगे हम समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि 11th क्लास में हमने पढ़ा है कि जब दो पदार्थ, जैसे एक पदार्थ जिसका द्रव्यमान m1 है एंड दूसरा पदार्थ जिसका द्रव्यमान m2 है, दोनों एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो इन दोनों के मध्य न्यूटन का जो नियम, न्यूटन ने जो नियम प्रतिपादित किया था जिसे हम गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं, वो दोनों के मध्य लागू होता है। यानी जो इनके मध्य बल लगता है जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, वो होता है F=gm1m2/r2। ये हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि दो द्रव्यमानों के मध्य, दो पदार्थ जिनके द्रव्यमान m1 m2 हैं और एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। यानी कि इस बल के माध्यम से ये जो m1 पदार्थ है m1 को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, और m2 जो पदार्थ है, m2 पदार्थ है उसको m1 है वो अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। यानी आकर्षण का एक बल इनके अंदर लग रहा है जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो कहने का मतलब हुआ इस प्रकृति के अंदर प्रत्येक पदार्थ दूसरे पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, और इस आकर्षण बल के कारण ही हमारा ब्रह्मांड है वो व्यवस्थित है। जैसे जितने भी तारे हैं यानी ग्रह हैं, वो सूर्य के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, यानी सूर्य से बंधे हुए हैं। किसके कारण से, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से बंधे हुए। हमारी जो पृथ्वी है जो कि काफी बड़ा जिसका द्रव्यमान है, ये सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। जैसे ये चौंक थी, मैंने यहाँ से छोड़ा, ये नीचे की तरफ आ गया, क्यों, पृथ्वी का गुरुत्वीय बल इसको अपनी तरफ खींच रहा है, जिसके कारण से इसको अपनी तरफ नीचे की तरफ लेकर आ गया। लेकिन किसके कारण से ऐसा हो रहा है, क्योंकि इनके पास क्या है, द्रव्यमान है, इनके पास क्या है, द्रव्यमान है। तो यहां से एक महत्वपूर्ण चीज निकल रही है कि पदार्थ के पास एक महत्वपूर्ण गुण होता है, पदार्थ के पास एक महत्वपूर्ण गुण होता है, वो है बल। यानी पदार्थ है वो किसी वस्तु पर बल लगा सकता है, बल है वो लगा सकता है, यानी किसी वस्तु को खींच सकता है, किसी वस्तु को अपनी तरफ खींच सकता है। उसमें बल लगाने की एक प्रवृत्ति होती है, एक विशेष गुण होता है। और ये जो गुण आया वो किसके कारण से आया है, ये बल जिसके कारण से लगता है उसको हम किस नाम जानते हैं, द्रव्यमान। इसके कारण से द्रव्यमान, द्रव्यमान है के कारण से
बल लगाता है, जिस बल को हमने गुरुत्वाकर्षण बल कहा है और जो आकर्षण प्रकृति का है। तो अतः हम कह सकते हैं कि पदार्थ के अंदर एक महत्वपूर्ण गुण है जो उसका इंट्रिंसिक है, जिसका नेज गुण है, और उसका क्या है, द्रव्यमान है। यानी किसी वस्तु पर पदार्थ बल लगाता है तो किसके कारण से लगाएगा, द्रव्यमान के कारण से। अगर उसका द्रव्यमान नहीं है तो बल नहीं लगा सकता। तो यहां से पदार्थ के एक महत्वपूर्ण गुण जिसके बारे में कह सकते हैं उसका पता लगता है, वो है बल लगाना। और पदार्थ बल किसके कारण से लगता है, द्रव्यमान। तो पदार्थ के अंदर द्रव्यमान है तो बल लगेगा, और यदि द्रव्यमान नहीं है तो बल नहीं लगा सकता। तो द्रव्यमान है वो पदार्थ का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इन बिल्ट प्रॉपर्टी जिसको हम कह सकते हैं, वो उसके अंदर पहले से ही है। ये नहीं होगा तो बल नहीं लगेगा। अब देखते हैं, क्योंकि ये बल हम काफी जगह महसूस करते हैं, उसके कारण से संपूर्ण जो सृष्टि है वो व्यवस्थित बनी हुई है। ये एक महत्वपूर्ण बल हमने पढ़ लिया है जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण। ये प्रकृति का महत्वपूर्ण बल है, मूलभूत बल है। हम 11 क्लास में पढ़ चुके हैं प्रकृति के कुल कितने बेसिक बल हैं, उसमें गुरुत्वाकर्षण बल है वो जो दो द्रव्यमानों के मध्य लगता है। एक दूसरे प्रकार का बल है और हम इसकी स्टडी करते हैं, क्योंकि 11 क्लास में हमने जिन बलों की स्टडी की है उनको मैं एक बार आपको बता देता हूँ। 11 क्लास में हमने चार प्रकार के बल पढ़े हैं, चार प्रकार के महत्वपूर्ण बल पढ़े हैं। तो पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। दूसरा जो बल पढ़ा हमने वो विद्युत चुंबकीय बल पढ़ा है। तीसरा हमने पढ़ा है नाभिकीय प्रबल बल, एंड चौथा बल हमने पढ़ा है दुर्बल बल। तो चार महत्वपूर्ण बल हैं। इन चार महत्वपूर्ण में ये जो दो बल हैं शुरू के, गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल, ये बाह्य बल हैं। गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल, ये दोनों बल हैं वो बाह्य हैं और बड़े स्तर पर लगने वाले बल हैं। बाह्य बल हैं और बड़े स्तर पर लगने वाले हैं, हम कह सकते हैं ये स्थूल बल हैं। शेष ये दो बल लग रहे हैं ये सूक्ष्म बल हैं, इनका नेचर सूक्ष्म है। तो यहाँ पर हम जो स्टडी करेंगे इन दो बलों के बारे में स्टडी करेंगे, स्थूल बलों के बारे में। गुरुत्वाकर्षण बल हम पढ़ चुके हैं कि दो द्रव्यमानों के मध्य लगता है और इसकी प्रकृति कैसी होती है, आकर्षण होती है, और इसका जो प्रास है वो काफी बड़ा है, यानी अनंत तक। एक वस्तु अगर अनंत पर रखी हुई है तो भी वो दूसरी वस्तु को इस बल के माध्यम से आकर्षित करती है, जो हम पढ़ चुके हैं। जैसे सौंफ को हमने छोड़ा, ये नीचे की तरफ आ गई, तो पृथ्वी ने इसको अपनी तरफ आकर्षित कर लिया गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से। दूसरे प्रकार का बल है विद्युत चुंबकीय बल है। ये देखते हैं कौन सा है। पदार्थ का पहला गुण हमने पढ़ लिया है कि द्रव्यमान के कारण से गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। दूसरा देखिए, मैं इस चौंक के माध्यम से बोर्ड पर लिख रहा हूँ, तो चौंक के जो कण है, पार्टिकल्स है, क्योंकि ये चौंक है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी हुई है। इससे पहले डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत दिया था कि प्रत्येक पदार्थ है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो ये चौंक भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, और इसके पार्टिकल जैसे मैं लिखता हूँ तो इसके ऊपर चिपक गया, इसके ऊपर चिपक गए, यहाँ पर लिखा गया है। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि चौंक के पार्टिकल्स हैं जिनका कुछ न कुछ द्रव्यमान पदार्थ है, तो कुछ न कुछ द्रव्यमान इनका है। अगर ये गुरुत्वाकर्षण बल होता तो पृथ्वी इतनी भारी, इसका द्रव्यमान इतना अधिक है, वो इसको नीचे अपनी तरफ खींच लेती, नीचे की तरफ आ जाता, लेकिन ये नीचे की तरफ है नहीं आ पाया। इसका अर्थ ये हुआ कि हमने जो पहला बल पढ़ा है, गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा है, उसके अलावा, क्योंकि ये बल है यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा, अगर ये बल यहाँ काम करता तो चौंक के जो कण थे उनको पृथ्वी अपने तरफ नीचे की तरफ आकर्षित कर ले, और यहाँ पर नहीं रहते, नीचे आ जाते, लेकिन ये चिपक गए हैं। इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं कर रहा। गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा एक दूसरा बल यहाँ पर कार्यरत है, उस बल को हमें समझना पड़ेगा कि ये बल क्या है, और इस बल को समझना